भारत की संसद यूं तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन अब लगता है कि वहां लोकतंत्र से ज्यादा तानाशाही तंत्र हावी हो गया है। लोकसभा में एक बार फिर से विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत 30 सांसदों को आज संसद के पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। दरअसल संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर आज भी संसद में हंगामा हुआ। विपक्षी दल अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, इसे लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हो रहा है। इस बीच लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत करीब 30 सांसदों को लोकसभा से पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया। श्री जय कुमार, श्री अब्दुल कलीक एंड श्री वसंत एमपी बी सस्पेंडेड टिल द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑफ द प्रिविलेज फॉर क्रिएटिंग द ग्रेट डिसऑर्डर इन द हाउस द बिहेवियर ऑफ द अबव सेड मेंबर्स मे काइंडली बी रेफर टू द प्रिविलेज कमिटी एंड दे नीड टू बी सस्पेंडेड टिल द कमिटी गिव्स इट्स रिपोर्ट। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। निलंबित सांसदों में अधीर रंजन चौधरी के अलावा के जयकुमार, अपूर्वा पोद्दार, प्रसून बनर्जी, मोहम्मद वसीर, जी सेल्वम, सी एन अन्नादुराय, डॉक्टर टी सुमति, के नवासकानी, के वीर स्वामी, एन के प्रेमचंद्रन, सौगत रॉय, शताब्दी रॉय, असित कुमार मल, कौशलेंद्र कुमार, एंटो एंटनी, एसएस पल्लामनिकम, अब्दुल खलीद, तिरुवरुस्कर, विजय बसंत, प्रतिमा मंडल, काकोली घोष, के मुरलीधरन, सुनील कुमार मंडल, एस राम लिंगम, के सुरेश, अमर सिंह, राजमोहन उनिथन, गौरव गोगोई और टी आर बालू को सदन की बाकी बची अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले भी लोकसभा से विपक्ष के 12 सांसदों को शीतकालीन सत्र के बचे हुए बाकी दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। इसमें कांग्रेस के टी एन प्रतापन, हिबी इडेन, ज्योतिमणि, रम्या हरिदास, डीन कुरियाकोस, वीके श्रीकंदन, बेनी बहनन, मोहम्मद जावेद और मणिकोम टैगोर हैं। वहीं डीएमके के कनीमोई को सस्पेंड किया गया, माकपा के एस वेंकटेशन को और भाकपा के सुब्रा रायन को सस्पेंड कर दिया गया था। ये नाम हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि सनद रहे कि जनता ने जिन सांसदों को अपना कीमती वोट देकर संसद में भेजा था, उन्हें मौजूदा मोदी सरकार किस तरह से संसद से बाहर कर रही है, और वो भी एक ज़रूरी मांग करने के कारण। दरअसल विपक्षी दल लगातार लोकसभा की सुरक्षा में सेंध के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा में बयान देने की मांग कर रही है। ये सभी सांसद अलग अलग पार्टियों के हैं, अलग अलग विचारधारा के हैं, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन है कि वो विपक्षी सांसद हैं। लोकतंत्र में सत्ता जो है वो निरंकुश हो सकती है अगर वहां पर विपक्ष ना हो, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष के बिना जो तंत्र है वो हो सकता है कि वो निरंकुश हो जाए, उस पर कोई लगाम ना हो। इसलिए ऐसा लगता है कि मोदी सरकार भी निरंकुश होती जा रही है, क्योंकि जो सांसद संसद की सुरक्षा में हुई चूक जैसे जरूरी मसलों पर जांच की मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री से जवाब मांग रहे हैं, उन्हें यूं सस्पेंड कर देना लोकतंत्र की मूल भावना से मेल नहीं खाता। अगर विपक्षी नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र के क्या मायने रह जाएंगे। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार कभी किसी विपक्षी सांसद की सदस्यता को रद्द कर दे रही है, तो कभी किसी सांसद को सस्पेंड करके उसे संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने से ही रोक दे रही है, ये लोकतंत्र का मखौल बनाने जैसा है। क्या संसद की सुरक्षा में चूक होना कोई छोटा मोटा मामला है? अगर नहीं तो फिर गृह मंत्री देश की संसद में इस पर जवाब क्यों नहीं दे सकते? क्यों गृह मंत्री अमित शाह इस बारे में संसद में नहीं बोल रहे? आखिर कैसे संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई? ये मामला सीधे सीधे सुरक्षा में लापरवाही का है, और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री के पास है, इसलिए उनसे सवाल पूछा जाना लाजमी है। जनता को भरोसा होना चाहिए कि देश सुरक्षित हाथों में है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि विपक्ष उनसे जवाब मांग रहा है। विपक्ष का काम ही यही है कि सरकार की नीतियों और कामों पर देश के सामने उनसे जवाब मांगे। सरकार से जवाब मांगना ही उनका काम है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो सरकार के जो मन में आएगा वो वही करेगी। इसलिए विपक्ष की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। जो आज सत्ता में है कल वो विपक्ष में थे, और हो सकता है कि जो आज विपक्ष में बैठे हैं वो कल को सत्ता में हो। इसलिए देश की संसदीय परंपरा का पालन करते हुए हर विपक्षी आवाज को सुना जाना चाहिए। मोदी सरकार इस मामले में सारी हदें पार कर रही है। विपक्षी सांसद आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है।
अगर यही आलम रहा तो मोदी सरकार जिसे चाहेगी उसे संसद से उठाकर बाहर कर देगी और जनता बस तमाशा देखती रह जाएगी। इसलिए सरकार से सवाल पूछिए कि आखिर क्यों वो विपक्ष के साथ इस तरह का सलूक कर रही है। इस बारे में आपका क्या सोचना है, आप विपक्ष की जो तरीका है उस पर आप क्या सोचते हैं और मोदी सरकार जिस तरह से रिएक्ट कर रही है उस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर लिखें। हम आपके कमेंट पढ़ते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।